जिंदगी से हार चुके हो तो ये कहानी सुन लेना। कहानी एक लड़की की है जो एक बुटीक में काम करती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी और जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रही थी। ये बात उन दिनों की है जब गांव में बिजली नहीं होती थी। लड़की के पास 4 मोमबत्तियां थी जिसमें वो पढ़ाई भी करती थी और उसी उजाले में घर के बाकी सारे काम भी करती थी। एक शाम में लड़की घर में मोमबत्तियां जला के कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई। भारी बारिश की वजह से उसे आने में देर हो गई। इतने में जो 4 मोमबत्तियां थी वो आपस में बात करने लगी। पहली मोमबत्ती कहती है कि मैं विश्वास का प्रतीक हूं, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहाँ है? लोग विश्वास ही नहीं करते हैं एक दूसरे पर। किसी को धोखा देना, चालाकी करना, परिवार में साजिश करना आम बात हो गई है। वो बोलती चली गई और ये कह के कि मेरी इस दुनिया में जरूरत ही नहीं है, वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती जो थी वो कहती है कि मैं शांति का प्रतीक हूं, पर शांति बची कहाँ है इस दुनिया में? कहीं पे चोरी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, शांति रही ही नहीं है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चला ही रहता है। कुछ लोग धर्म के नाम पे शांति भंग कर रहे हैं तो कुछ जाति के नाम पे। शांति बची ही नहीं है इस दुनिया में। लगता है इस दुनिया को मेरी भी जरूरत नहीं है, कह के शांति वाली मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती जो थी वो कहती है कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, लेकिन दुनिया में अब नफरत बढ़ चुकी है, इस दुनिया में प्रेम बचा कहाँ है? लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म सा हो गया है। रिश्तों में लोग बस प्रेम का दिखावा करते हैं। हर जगह नफरत फैली हुई है, प्यार की भावना नहीं बची है, स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं लोग। मेरी भी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, इतना कह के तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती जलती रही, खामोश रही, सब चुपचाप से होते हुए देखती रही। वो लड़की जैसे तैसे घर पहुंची, उसने देखा सारी मोमबत्तियां बुझ गई हैं। वो बहुत ही निराश हुई। उसके पास जो माचिस बची थी वो भी बारिश में खराब हो गई थी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी, निराश होने लगी। वो रोने ही वाली थी, इतने में चौथी मोमबत्ती ने बोला कि रुको, मैं आशा का प्रतीक हूँ, मैं आशा हूँ, उम्मीद हूँ। जब तक हूँ शांति, विश्वास, प्रेम वापिस लाया जा सकता है। तुम एक काम करो, मेरी मदद से बाकी तीनों मोमबत्तियाँ जला दो। लड़की ने वही किया, उस उम्मीद की मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियाँ जला दी। कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। जीवन में आपको कभी लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, उस आखिरी दरवाजे को, उस आखिरी मोमबत्ती को कभी बुझने मत देना, क्योंकि उम्मीद की मोमबत्ती आपको किसी भी अंधकार से बाहर निकलने में रास्ता दिखाती रहेगी। उस उम्मीद की मोमबत्ती से आप लाइफ में खोया हुआ फेम वापिस पा सकते हैं, खोया हुआ धन वापिस पा सकते हैं, खोया हुआ प्यार वापिस पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए, उम्मीद की किरण बुझनी नहीं चाहिए।